नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अंजू अग्रवाल द्वारा श्री विश्वकर्मा चौक के कराए गए भव्य सौंदर्यकरण का उद्घाटन किया, क्योंकि भगवान श्री विश्वकर्मा का जन्मदिन भी है। उद्घाटन से पहले पालिका अध्यक्ष आरती में भी शामिल हुई। वहां पर मौजूद विश्वकर्मा समाज के लोगों ने पालिका अध्यक्ष का फूल मालों से स्वागत किया। उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए पालिका अध्यक्ष ने कहा, वैसे तो भगवान सभी के होते हैं और सभी का सौंदर्यकरण होना चाहिए और हम करा भी रहे हैं, मगर विश्वकर्मा समाज के लोगों के आग्रह पर ही यह सौंदर्यकरण कराया गया और आगे भी सभी महापुरुषों एवं चौराहों का सौंदर्यकरण कराया जाएगा। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अंजू अग्रवाल जी, प्रमुख उद्योगपति श्री अभिषेक अग्रवाल, सभासद भीष्म सिंह, नरेश खटीक, सचिन कुमार, विकास गुप्ता, प्रियांशु जैन, कार्यालय अधीक्षक पूरन चंद पाल, लिपिक विजेंद्र सिंह, राजीव वालियान, गोपी चंद, संजय गुप्ता, अशोक धींगरा, प्रवीण कुमार, विश्वकर्मा समाज से वेद प्रकाश, डॉक्टर नरेश पांचाल, मुकेश धीमान, राकेश धीमान, स्टैनो अध्यक्ष गोपाल त्यागी एवं विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद रहे। स्वागत जिंदगी मीडिया ग्रुप से मोहम्मद सुहेल की रिपोर्ट। देखिए, ये विश्वकर्मा चौक, विश्वकर्मा भगवान के सभी अनुयायी हैं और इनकी पूजा जो है, मेरे हिसाब से मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, द्वापर युग से इनकी पूजा चली आ रही है। द्वापर युग में द्वारका का जो निर्माण किया था वो भी भगवान विश्वकर्मा जी ने ही किया था। इनके बहुत अनुयायी हैं, सभी हैं वैसे तो अनुयायी, लेकिन विशेष तौर पर आग्रह किया गया था कि इसका सौंदर्यकरण किया जाए। आप सभी लोग, सम्मानित लोग हमारे पास आए थे, हमारे मेंबर साहब लेकर के आए थे, तो कुछ इनका प्रयास रहा, कुछ हमने भी ये सोचा कि अच्छे से अच्छा जो हो सकता है हमसे प्रयास करके हमने इसको पूरा करने की कोशिश की है और आगे भी सभी महापुरुषों का हम सौंदर्यकरण करने जा रहे हैं। तो इसमें जो भी कोई कमी रह गई हो तो आप लोग हमें बताएं। वैसे तो मैंने प्रयास यही किया है कि ये अच्छे से अच्छा बने। कुछ बताया गया है कि जाली वाली शायद कुछ चेंज कराना चाहते हैं, अगर पैसा होगा तो मैं अवश्य इसको कराऊंगा। और सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो भी बेटरमेंट हो सकता था वो हमने इस वाले पार्क में कराया है और इस तरह से ही विश्वकर्मा भगवान का जो है, आज मुझे आरती करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ऐसे अवसर पर आई हूँ कि मुझे इनकी आरती करने का अवसर प्राप्त हुआ है और कल विश्वकर्मा भगवान का जन्मदिवस भी है, तो हमने आज 16 तारीख को इसका उद्घाटन किया है। सभी मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो विश्वकर्मा भगवान के अनुयायी हैं और हमारे सभासद भी मौजूद हैं, तो सबको देखकर बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी खुशी की लहर इन लोगों के चेहरों पर मैंने देखी है। सब कह रहे हैं कि मैडम आपने बहुत अच्छा कार्य कराया है, तो जब ये लोग प्रशंसा करते हैं तो हमारा उत्साह और दुगना बढ़ जाता है। जितने और भी हमारे महापुरुष हैं, हम सभी के इनका सबका सौंदर्यकरण कराएंगे। कुछ का हो गया है, कुछ का कराने वाली हूँ, तो जिसकी छतरी लगानी है छतरी लगेगी, लाला लाजपत राय की छतरी रहेगी वो लगाएंगे, और भी सब बहुत कार्य हमारे योजना में हैं हम सब का। एक बार मैं विश्वकर्मा भगवान को पुनः वंदन करते हुए और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर बता रहे और मुझे आपने यहाँ निकाला। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।